हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रियंका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन बर्फ़ी की रेसिपी। बेसन बर्फ़ी बनाना बहुत ही सिंपल है। इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप बेसन लिया है। इसको हमने छाना नहीं है, आप चाहें तो छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी, मतलब आधी कटोरी घी लिया है। जिस कटोरी से आपने बेसन लिया है ना, उसकी आधी क्वांटिटी से हम घी लेंगे। और इसको अच्छे से रोस्ट करना है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें रोस्ट करना है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा घी कम लगा तो मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। और इसको आपको अच्छे से भूनना है। बेसन का भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा तो आपकी जो मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बेसन को बहुत अच्छे से भूनें। जैसे ही ये भूनना शुरू हो जाएगा, ये अपना घी छोड़ने लगेगा, बिल्कुल इस स्टेज पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको साइड रखते हैं और चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप शुगर ली है, मतलब जितना बेसन लिया है उससे आधी शुगर ली है, और उससे भी कम पानी। मतलब अगर आपने आधी कटोरी शुगर ली है तो आधी कटोरी से भी आधा आपको पानी लेना है। मतलब 1 कटोरी शुगर लिया है तो आधी कटोरी आपको पानी लेना है। ये मेज़रमेंट आप ज़रूर ध्यान रखें। और बस हमको चाशनी इसकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, आपकी शुगर मेल्ट हो जाए और बस इस तरह से इसमें बॉईल आने लगे तब तक हमको पकाना है। तो चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसको पकने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। और ये हमारा बेसन भी बहुत अच्छे से भुन चुका है एक साइड पर, तो ये इस तरह से लिक्विडी हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, घी छोड़ने लगेगा, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो ये इसके साइन हैं कि आपका जो बेसन है बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने चाशनी बनाई है वो डाल देंगे। तो जैसे भी हम चाशनी डालेंगे तो इसमें एक उभार आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो इसे हल्के हाथों से आप चलाएं, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ऐसे झाग जैसे बनेंगे। तो इस तरह से आप इसे मिला लीजिए। बस 2 मिनट आपको मिलाना है और फटाफट से आपको मिठाई को जमा लेना है। आपको बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है इस टाइम पे, नहीं तो चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे से जमेगी नहीं आपकी बर्फ़ी, या तो फिर बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए अब बस 2 मिनट इसको हम कुक करेंगे। और इस तरह से फटाफट से एक मिठाई का टिन या आप प्लेट में भी इसे जमा सकते हैं, कोई भी नॉर्मल स्टील की जो प्लेट होती है ना घर पे, उसमें आप जमा सकते हैं। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर दीजिए, 5 से 6 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और आपकी जो बर्फ़ी है वो सेट हो जाएगी। पर इसको 1 घंटे बाद जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहे ना, तब आप इस पर कट मार लीजिए, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी और इसके पीसेस अच्छे से निकल जाएंगे। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो जब आपके पीस करेंगे तो वो एकदम इवन पीस नहीं होंगे। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी पीस जो है इसके निकाल सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कट हो गई, इतनी सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि एकदम टूट ही जाए, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि एकदम कटे ही ना। तो ये इस तरह की है, एकदम स्मूथ है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी है ये, रक्षाबंधन पे आप ज़रूर बनाइए, आपके फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए इस आसान सी बेसन रेसिपी के साथ, बेसन बर्फ़ी की रेसिपी के साथ। तो आई होप आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। और भी मेरी आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई रेसिपी डालूंगी तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो आसानी से आप मेरी रेसिपीज़ देख पाएंगे। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नई आसान सी रेसिपी के साथ और अलग अलग सिंपल सी स्वीट्स की रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।